हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगी टॉपिक आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। सो इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड्योरेंस और उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस की हैं, जिसका लिंक आपको यहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां पे जरूर विजिट करिए ताकि चैप्टर एक सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आए। तो आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रेनिंग मेथड फॉर एंड्योरेंस डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमें अपने एंड्योरेंस को डेवलप करना है तो कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड होते हैं। तो तीन होते हैं आपके ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होता है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है और फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड होता है, जिसमें से आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेनिंग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड वॉज डेवलप बाय डॉक्टर वेन एकन ने इसे डेवलप किया था। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, ट्रेनिंग इन्वॉल्व कंटिन्यूअस रनिंग एक्टिविटी और एक्सरसाइज विदाउट रेस्ट और पॉज, यानी आप कोई एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी, कोई रनिंग एक्टिविटी आप बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी पॉज के, बिना किसी ब्रेक के कर रहे हो लगातार रनिंग या लगातार किसी एक्सरसाइज को, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। इट अलाउज द बॉडी टू वर्क फ्रॉम इट्स एरोबिक एनर्जी स्टोर, यहां आप किस तरीके से वर्क कर पाते हो, यानी आप लगातार किसी ट्रेनिंग को कर पाते हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपके शरीर के अंदर एरोबिक एनर्जी, जो कि स्टोर कर लेती है एनर्जी को, और वही एनर्जी आप पूरे ट्रेनिंग भर जब आप कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करते हैं तो उसे यूज करते हैं। एरोबिक एनर्जी का एक आपका मीनिंग ये भी है कि जहां पे आपकी ऑक्सीजन स्टोर होती है और वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है जैसे जैसे उसकी डिमांड आपके शरीर में रिक्वायर्ड होती है, यानी जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये एरोबिक एनर्जी स्टोर जो होता है यही आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। टू इम्प्रूव ओवरऑल फिटनेस एंड एंड्योरेंस, जिससे आपकी फिटनेस भी बनी रहे पूरी एक्सरसाइज भर और एंड्योरेंस भी मेंटेन रहे। अब बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इंक्लूड, इसके फायदे क्या हैं, आपको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। फैट बर्निंग होता है, जैसे हम रनिंग करते हैं हम अक्सर सजेस्ट करते हैं कि जो लोग मोटे हैं, जो ओबेसिटी है जिनको, वो रनिंग से स्टार्ट करें। जितना ज्यादा वो अपने अंदर के फैट को बर्न करेंगे, जितना ज्यादा उनके पसीना स्वेट आएगा उतना ही ज्यादा उनका वेट कम होगा। तो उस ट्रेनिंग को भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका फैट बर्निंग होती है, मसल्स बिल्डिंग, अगर मसल्स बनानी है तो उस केस में भी आपके पुशअप्स पुलअप्स वगैरह जो होते हैं वो एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के बेस पर आप परफॉर्म करते हो। एंड इंक्रीजिंग मैक्सिमम एरोबिक पोटेंशियल, जितना ज्यादा एरोबिक पोटेंशियल, एरोबिक एक्सरसाइजेस हम करेंगे तो वो भी हमारी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में ही आती है। एरोबिक एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को यूज करते हो और बार बार रिपीटेटिव एक्शंस करते हैं आप, जैसे एरोबिक डांस वगैरह होता है, मूवमेंट्स जो आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो ये सारी चीजें एरोबिक में आती हैं क्योंकि लगातार आप सेम मसल को यूज कर रहे हैं और रिपीटेटिव एक्शन आपका हो रहा है, सो दिस इज व्हाट एरोबिक पोटेंशियल। तो इन सारी चीजों के लिए आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एट अ स्ट्रेच, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। एग्जाम्पल आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का यहाँ पे दिया है, जो कि आपकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के लिए मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है। इस आपकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड भी थ्री टाइप्स में डिवाइड होती है, जो कि है स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड एंड वेरिएबल पेस मेथड। तो इसको भी वन बाय वन देखते हैं। पहला है आपका स्लो कंटिन्यूअस मेथड। इन दिस मेथड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज इज लो, यानी कि आपकी एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो वो थोड़ा लो पिच से आप स्टार्ट करते हो, बहुत हैवी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में ही बिल्कुल फोर्स गेन नहीं कर लेते आप। एंड हार्ट रेट रिमेन्स स्टेबल, और ऐसी एक्सरसाइज में आपका हार्ट रेट भी बढ़ता नहीं है, स्टेबल रहता है, जो कि नॉर्मल पोजिशंस में रहता है। दिस मीन्स अ 10 किलोमीटर रन विद अ हार्ट बीट ऑफ 140 to 160, इसमें आपकी हार्ट बीट क्या रहती है, 140 से 160 हार्ट बीट रहती है। डिस्टेंस आप औसतन 10 किलोमीटर ले सकते हैं। दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर लॉन्ग क्रॉस कंट्री रन, ये जनरली आपके मैराथन वगैरह लॉन्ग क्रॉस कंट्री रन जो हम करते हैं, अक्सर आपका कंट्री टू कंट्री पीस, कंट्री टू कंट्री ज्वाइन, इस तरीके की आपकी जो रनिंग होती है वो आपकी यहाँ स्लो कंटिन्यूअस में इन्वॉल्व होती है, जिसमें ब्रेक भी लेते हैं, कंटिन्यूअस रनिंग भी करते हैं आप, और लगातार आपका जो हार्ट रेट है वो स्टेबल रहता है क्योंकि रनिंग बिल्कुल नहीं होती है इसमें आपकी, कहीं पर पैदल चल रहे हैं, कहीं पर बार बार
स्पीड बढ़ा ले रहे हैं, कहीं धीमी कर ले रहे हैं, कहीं वॉक ही कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज वाई इसको हम स्लो कंटिन्यूअस मेथड कहते हैं। आपके याद रखने में क्या है कि यहाँ पे आपका एक्सरसाइज आपकी लो ही रहती है, हार्ट रेट रिमेन्स स्टेबल है। हार्ट रेट रहता क्या है, 140 to 160 रहता है। किस डिस्टेंस के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट आते हैं फास्ट कंटिन्यूअस मेथड की बात करें। इन दिस मेथड द इंटेंसिटी इज हाई, यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, हार्ट रेट भी हमारा हाई हो जाता है और ड्यूरेशन समय कम हो जाता है। ठीक, ड्यूरेशन यानी जितनी देर के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो ड्यूरेशन आपका, वो समय आपका घटा दिया जाता है। द हार्ट बीट रीचेज 160 to 180, इसीलिए आपकी हार्ट बीट भी यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ 140 to 160 थी, डिस्टेंस लॉन्ग था, आप आराम से कवर कर सकते हो, सारी चीजें आपकी स्टेबल। लेकिन फास्ट कंटिन्यूअस में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने टाइम ड्यूरेशन, अगर हमने आपसे कहा कि आपको इतनी दूर रनिंग करनी है और उतनी दूर रनिंग में हमने आपका टाइम घटा दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें और एनर्जी लगाओगे और आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सेम वही फिनोमिनन यहाँ फॉलो होता है, इसीलिए 160 to 180 हार्ट बीट रहती है पर मिनट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी अपनी बढ़ा लेते हैं इसीलिए हार्ट रेट बढ़ जाता है। इट इज फॉर वेल ट्रेन्ड एथलीट्स हु कैन रन विदाउट एनी पॉज, ये उनके लिए बहुत सुटेबल है जो ट्रेन एथलीट हैं, जिनकी रनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, जिनका जो रन कर सकते हैं विदाउट एनी पॉज, बिना थके बिना रुके कहीं आराम से उनकी रनिंग वगैरह हो सकती है, कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग दी VO2 कैपेसिटी, VO2 कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। आपका VO2 कैपेसिटी का मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल को शरीर में बढ़ाना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आप बढ़ाते हो तो वो चीज आप यहाँ अगर उसको आपको राइज करना है किसी एथलीट को, तो उसके लिए ये मेथड सबसे अच्छा होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज में उसकी ऑक्सीजन कंट्रोल्ड अच्छे से रहे। जैसे होता है कई लोग बहुत जल्दी हांफने लगते हैं ना, तो उनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप इस तरह की मेथड अप्लाई करो, इस तरह की ट्रेनिंग करो, ताकि धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन रेट जो है, VO2 कैपेसिटी जो है वो आपकी बढ़ती चली जाए। देन आते हैं वेरिएबल पेस मेथड, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो एंड फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। यहाँ पे वेरिएबल पेस मेथड का मतलब होता है जिसमें हम स्लो और कंटिन्यूअस, स्लो और फास्ट दोनों ही मेथड को यूज करते हैं, यानी हम कहीं पर अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं, कहीं पर हम बहुत फास्ट हो जाते हैं, कहीं पर वापस स्लो हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं पेस रनिंग या फिर वेरिएबल पेस मेथड। देयर फॉर द इंटेंसिटी वेरीज, यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी चेंज होती रहती है, यहाँ पे तो लगातार स्लो ही है हमारी इंटेंसिटी, यहाँ पे लगातार हमारी इंटेंसिटी फास्ट है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही इंटेंसिटी का यूज करते हैं। द हार्ट बीट वेरीज फ्रॉम 140 to 180, इसीलिए आपकी यहाँ पे जो हार्ट बीट होती है वो 140 से 180 होती है, 140 इसका ले लिया हमने और 180 इसका ले लिया, ठीक है। एंड टाइम इज 15 to 60 मिनट, यहाँ पे कितनी देर के लिए आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो, 15 to 60 मिनट के लिए कर रहे हो, तो ये चीज आपकी वेरिएबल पेस मेथड कहलाती है। दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर प्लेयर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल गेम्स, दिस इंक्लूड साइकिलिंग एंड जॉगिंग। यहाँ पे वेरिएबल पेस मेथड सभी तरह के एथलीट के लिए बहुत अच्छा होता है, सारे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ ये आपके इसमें क्या इंक्लूड होता है, साइकिलिंग और जॉगिंग इंक्लूड होती है। देन बात करते हैं इस मेथड के, यानी कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के फायदे की, एडवांटेजेस की। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट लंग, अगर हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड करते हैं तो ये हमारे हार्ट की एफिशिएंसी को और लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्योंकि कंटिन्यूस में आप लगातार लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपका हार्ट भी बहुत ज्यादा फंक्शन करने लगता है और लंग्स से भी एयर लगातार आपकी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लगातार आपकी पास हो रही है, तो उस केस में लंग्स भी आपके काफी इफेक्टिव बन जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज मसल मास एंड एंड्योरेंस, एंड्योरेंस को तो बढ़ाता ही है क्योंकि उसका टाइप ही है ये, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल मास भी बढ़ती है आपकी क्योंकि कंटिन्यूअस आप फंक्शन कर रहे हो। हैवी इक्विपमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग में आपको हैवी इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो ये सारे मेथड जो मैंने अभी पढ़ाए ये आपके जनरली जॉगिंग रनिंग इन सबको कवर कर रहे हैं, राइट, तो उस केस में आपके हैवी इक्विपमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी पर्सन इसको विद मिनिमम कॉस्ट वगैरह आराम से इस तरह की एक्सरसाइजेस को कर सकता है। इट हेल्प एन इंडिविजुअल टू बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक पर्सन के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है क्योंकि
कंटिन्यूअस मेथड है ये। आप अपने आप को एक टाइम टेबल में बांध देते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बूस्ट होता है। आपको अगर एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर करनी है तो ये मेथड्स बहुत अच्छे होते हैं, एक एथलीट के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। तो उस केस में एक सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट आपके अंदर बूस्ट अप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नुकसान क्या है इसका। तो दो ही नुकसान है, डज नॉट इम्प्रूव एनएरोबिक फिटनेस, हमारे शरीर की एनएरोबिक फिटनेस इससे नहीं बढ़ती है। एनएरोबिक फिटनेस का मतलब है अगर हम किसी चीज पर अपनी फोर्स वगैरह लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छी कर लें, हम चाहते हैं हमारे अंदर खूब ज्यादा स्ट्रेंथ रहे, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे आपको एथलीट बनाया जाता है, आपकी रनिंग अच्छी होती है, आपका एनर्जी लेवल, आपका ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि आप बहुत ज्यादा बलशाली हो जाएंगे तो वो एनएरोबिक फिटनेस यहाँ पर नहीं आ पाती है। देन इट कैन बी हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन यू स्टार्ट टू फिटी। एक इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हाँ एंड्योरेंस है, तो जब आप थक जाओगे तो आपके लिए लगातार एक्सरसाइज करते रहना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है। अब उस केस में अगर आपकी थकान बहुत जल्दी आ जा रही है, फटीग हो जा रहे हैं आप, तो उस केस में फिर इस तरह की एक्सरसाइज को मेंटेन रखने में दिक्कत होती है। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। तो आज हमने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में इनके मीनिंग क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बाकी वीडियो समझ में आया है तो एक लाइक जरूर क्लिक कर दीजिए। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए। बाकी आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।